मानी पद्मे हम, ओम 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 मानी पद्मे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मजबूर कर दूंगा अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने पे, क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लिटरली आपकी आंखें खोल देगा और आपको गहराई में उतरने के लिए मजबूर कर देगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समझेंगे कि गेम ऑफ लाइफ है क्या। ये जिंदगी, मैं कहता हूं कि ये जिंदगी एक खेल है और जो इसको समझा नहीं उसके लिए ये जेल है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद करिए इस चीज का कि आप ब्लेस्ड हैं एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आपको आज जो पता लगने वाला है उससे आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अब मेरे चैनल का नाम है गेम ऑफ लाइफ, क्योंकि ये रियलिटी एक गेम ही है। अब कैसे है वो आपको बताता हूं। आपने गेम खेला होगा पबजी, बहुत से लोग खेल रहे हैं, राइट? बच्चे पबजी के पीछे पागल हैं। इससे पहले एक गेम आया था GTA Vice City या GTA San Andreas। तो ये गेम के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर कुछ भी करता है, किसी को भी गोली मार रहा है, किसी की भी गाड़ी छीन रहा है, कोई उसको पीट रहा है, किसी को वो पीट रहा है, तो वो जो कैरेक्टर है वो बहुत सी सफरिंग से गुजर रहा है, राइट? उसको जब वो किसी को मार रहा है उसको खुशी मिल रही है, उसको मजा आ रहा है, लेकिन असली मजा तो उसका आ रहा है ना जो खेल रहा है। आप उस गेम को खेल रहे हो, उस गेम के अंदर नहीं हो। उस गेम के अंदर आपने एक कैरेक्टर चूज किया है, वो कैरेक्टर हंसी, दुख, खुशी, सारे के सारे इमोशन से होकर गुजरता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मजा आ रहा होता है। यही सेम हमारी आत्मा के लिए एप्लीकेबल है कि आपकी जो आत्मा है उसने एक कैरेक्टर चूज किया, उसने इस गेम को चूज किया, अर्थली गेम को, धरती के गेम को, तो वो आके इस गेम को खेल रही है। उसको कोई सफरिंग नहीं हो रही है, वो उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ मजा आ रहा है। और धरती पे आज के दिन तो गेम इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि सफरिंग और पेन बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे बढ़ा हुआ है, ठीक है? कि ऐसा कोई नहीं है कि जो इससे ना गुजर रहा हो, किसी ना किसी तरीके से हर कोई सफरिंग से गुजर रहा है, क्योंकि वी आर इन द एंड ऑफ कलयुगा और वी आर इन द एंड ऑफ डार्क एज बेसिकली। तो यहां से हम पॉजिटिव की तरफ ग्रो करने वाले हैं, कलेक्टिवली ये अर्थ पे गेम ग्रो करने वाला है। तो जो हम गेम की बात कर रहे थे, आत्मा गेम से बाहर रह के गेम को एंजॉय कर रही है, उसके लिए हर मोमेंट एंजॉयबल है। जैसे आपके लिए San Andreas Vice City खेलना या पबजी गेम खेलना इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ रहा है किसी को गोली मारने में, किसी की गाड़ी छीनने में, किसी के साथ कुछ करने में, आपको हर चीज में मजा आ रहा है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर आत्मन। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यही सेम चीज कृष्ण ने समझाई थी गीता में कि आत्मा अमर है, अजर है, ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, ना उसको हवा उड़ा सकती है, उसको कुछ कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस अर्थली रियल से बाहर है। योर हायर सेल्फ इज आत्मा, राइट? आपकी जो सबसे टॉप मोस्ट सेल्फ है वो आत्मा है। वो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ना कभी इस गेम के अंदर आती है, वो तो गेम के अंदर एक कैरेक्टर लेके आती है जिसको एक कवरिंग चढ़ जाती है उस आत्मा के ऊपर, माइंड की और बॉडी की, जिससे कि इस गेम को खेला जा सके, इस रियलिटी में आया जा सके और इस गेम को एक्सपीरियंस करा जा सके। तो आत्मा तो हर टाइम आपकी हायर सेल्फ इस गेम से बाहर है, इस गेम से परे है। तभी जिस दिन आप अपने साथ बैठना शुरू कर जाएंगे और अपने रियलिटी से अवगत होना स्टार्ट कर जाएंगे कि आप आत्मा है, ये माइंड नहीं है, ये बॉडी भी नहीं है, इसके परे जो इसको चला रहा है दोनों को वो आप हैं, तो लिटरली आपको इस गेम के अंदर उस लेवल का मजा आने लगेगा जो एक आत्मा को आता है, क्योंकि उसको सिर्फ मजा ही मजा आता है। उसके लिए कोई पेन और सफरिंग नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो ये कैरेक्टर नहीं है। वो कैरेक्टर तो हर चीज से गुजरेगा, ये माइंड और बॉडी, ये कैरेक्टर हर चीज से गुजरेगा, अच्छे पल से भी, बुरे पल से भी, इसको दुख भी होगा, इसको खुशी भी होगी, तो अप्स एंड डाउन इसके लिए होंगे, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ अप है, आत्मा के लिए सिर्फ खुशी है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आप साधना करें, आप अपने साथ बैठें, अपनी रियलिटी को समझें। जितना ज्यादा डेप्थ में आप अपने उतरेंगे, उतना ज्यादा इस सत्य से अवगत होंगे कि आप आत्मा हैं।
आप सिर्फ फन करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आप सिर्फ फन ही डिजर्व करते हैं अगर आप समझ लें कि आप आत्मा हैं, राइट? तो जैसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे श्री राम का एग्जांपल अगर ले लें, तो उन्होंने कितने दुख देखे अपने लाइफ के अंदर, राइट? लेकिन उनको इस चीज की रियलाइजेशन थी कि वो आत्मा है और वो अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने धर्म से पीछे कभी नहीं हटे, तो फिर वो बेंचमार्क बन गए कि भाई इंसान को होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट? तो जब आप आत्मा से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये गेम आपको एक गेम की तरह लगने लगता है, जैसे जिसके अंदर हमारे हिंदू शास्त्रों में इसको माया कहा गया है, दिस रियलिटी इज माया, आदि शंकराचार्य बोल के गए हैं, ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या, ब्राह्मण मीन्स द टॉप मोस्ट, योर हायर सेल्फ और हायर सेल्फ, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड दिस इज मिथ्या, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज इल्यूजनरी। इल्यूजन क्यों है? क्योंकि आपकी जो ट्रू सेल्फ है आत्मा, जो गेम के परे है, जो गेम खेलना चाह रही है बस, वो अनअफेक्टेड है इस गेम से, हर चीज से अनअफेक्टेड है, वो इस गेम के बिल्कुल परे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। लेकिन जो कैरेक्टर आपने ले लिया, ये माइंड और बॉडी लेके आपने यहां पे कैरेक्टर ले लिया, उसको हर चीज से गुजरना पड़ेगा, और हाईएस्ट गोल ही ये माना गया है कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि खुशी के अंदर ज्यादा खुश नहीं होना, दुखी में ज्यादा दुख नहीं होना, और इक्वैनिमस रहना है, समता में रहना है, सेंटर मिडिल पाथ इस पे रहना है, तो आप अपने सत्य से अवगत हो जाएंगे बेसिकली। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। इसी के अंदर जैसे अब आप गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।